हे दोस्तों, आपको पता है कि देश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है यूपी में, बिहार में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों यूपी में, बिहार में और झारखंड में और वेस्ट बंगाल में और जितने भी अच्छे अच्छे स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सबको मिला लें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी है और स्टेट का भी यूनिवर्सिटी है। इन सारे यूनिवर्सिटी में दो ऐसा यूनिवर्सिटी है, एक है जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकिंग चैंपियनशिप में जामिया चैंपियन रहा है और जो क्रिकेट के जो चैंपियन रहा है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, लेकिन जब बात आती है टैलेंट की, जब बात आती है हुनर की, तो ये जो जामिया है और अलीगढ़ अपने देश में एक छाप छोड़ रही है। आप देख सकते हैं अपना देश के जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, जामिया नंबर वन है। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी का जो मैचेस हुए थे जामिया होस्ट की थी, जामिया होस्ट भी की थी और जामिया जीती भी। जामिया विंस नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप 2019 में चैंपियन रही है जामिया। आप देख सकते हैं ये कप जामिया ने उठाया है और ये जो कप है वो एक देश के लिए सबसे बड़ा सेंटेंस है, सबसे बड़ा मैसेज है कि जामिया सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, जामिया टैलेंट भी है, चाहे वो फिल्म में हो चाहे वो गेम में हो। सहवाग जी जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़े हुए हैं और गगन अजीत जी जो कि हॉकी प्लेयर हैं, अभी नेशनल हॉकी टीम में है, वो भी जामिया से पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों क्रिकेट हो या हॉकी हो, दोनों अपने देश की शान है, दोनों में जामिया के प्लेयर रह के बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। आप देख सकते हैं कि जामिया ने, ये इंडिया टुडे का न्यूज है, जामिया विंस नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप 2019। और यहां आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्रिकेट में अपना कप हासिल किया है। तो दोस्तों ये इनको तो सब कोई जानता होगा क्योंकि जिसने भी आईपीएल देखा होगा, तो जब भी अवार्ड पोस्ट मैचेस प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है तो उसमें राजीव शुक्ला जी जो कि अभी सेक्रेटरी है यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का, हर स्टेट का क्रिकेट एसोसिएशन होता है, जैसे झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, उसी तरह यूपी का क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके अभी सेक्रेटरी है राजीव शुक्ला जी जो कि आईपीएल के चेयरमैन भी थे। और ये जो साहब जो खड़े हैं वो एसपी है अलीगढ़ के, मिस्टर अभिषेक झा, ये साहब है आईपीएस ऑफिसर है मिस्टर अभिषेक झा, अभिषेक कुमार झा जो कि आईपीएस ऑफिसर है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है अलीगढ़ का। हर जिला का एसपी होता है, डीएम होते हैं, एसपी होता है, तो अलीगढ़ के जो डीएम है वो ये है मिस्टर अभिषेक कुमार झा जो कि आईपीएस ऑफिसर है। और ये साहब जो है इनका नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर, इनका नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर जो कि वाइस चांसलर है अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इससे पहले जमीरुद्दीन शाह थे, नसीरुद्दीन शाह के अपने सगे भाई थे जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी थे, वाइस चांसलर थे। अभी ये साहब हैं जिनका नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर और ये राजीव शुक्ला जी जो कि यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का अभी सेक्रेटरी है और आईपीएल के चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये साहब आईपीएस है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जो गेम हुआ था इसमें एक प्ले ग्राउंड है जिसका नाम है विलिंगटन पवेलियन का नाम है जो कि अंग्रेजों के जमाने से 1875 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इसलिए बहुत सारे चीजें हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एक हॉल है, एक मैकडोनाल्ड हॉल है, एक मॉरिसन है जो कि शुरू में एक दो वाइस चांसलर हुए हैं वो अंग्रेज ही हुए हैं क्योंकि 1875 अपने देश 1947 में आजाद हुआ है, 1947 100 साल पहले अपने देश के आजाद से पहले अलीगढ़ का स्थापना हो गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो गेम्स हुआ था इसमें स्कोर जो डीयू ने टॉस जीता था, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टॉस जीता और टॉस जीतकर एएमयू को दिया बल्लेबाजी करने के लिए। तो एएमयू ने 250 रन का स्कोर खड़ा किया, कितना 250 रन 35 ओवर में बनाए, 3 विकेट खोके, 35 ओवर का ही मैच हुआ था। यूनिवर्सिटी के जो मैचेस होते हैं वो 35 ओवर के ही होते हैं, 50 ओवर के नहीं होते। तो 35 ओवर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 250 रन बनाए। इसके अपोजिट में डीयू ने अर्ली 2 विकेट गंवा दिए जिसके वजह से उनकी पारी जो है लड़खड़ा गई और सारे जो प्लेयर हैं उनके ऑल आउट हो गए 198 रन में। अलीगढ़ ने बनाए थे 250 रन और 200 के आसपास में डीयू सब ऑल आउट हो गए 33.4 ओवर में, पूरा ओवर भी नहीं खेले,
52 रन से दिल्ली यूनिवर्सिटी हार गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। दोस्तों ये आपके लिए मोटिवेशन का वीडियो है, जिसमें एडमिशन का तो नहीं है, लेकिन आप देखिए जब भी जामिया अलीगढ़ DU JNU BHU में आते हैं तो आपका जो टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे हॉकी में हो, चाहे आप बास्केटबॉल में हो, चाहे बैडमिंटन में हो, कैरम में हो, बहुत सारे गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स भी होते हैं और आउटडोर गेम्स भी होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी होता है, ड्रामे का कॉम्पिटिशन होता है, डिबेटिंग भी होता है, बहुत सारे के ऐसे ऐसे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। तो दोस्तों आप जामिया अलीगढ़ में आएंगे तो आप अपना पढ़ाई के साथ अपना हॉबी को भी निखार सकते हैं, आप एक्टर भी बन सकते हैं, क्रिकेटर भी बन सकते हैं, फुटबॉलर भी बन सकते हैं, जैसे सहवाग साहब जामिया से पढ़ के क्रिकेटर हैं, शाहरुख खान, मोनी रॉय और बहुत सारे एक्टर, किरण राव जामिया से पढ़ के कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है। इसके साथ साथ आप जामिया से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आप में अमनतुल्ला खान साहब है जो MLA हैं ओखला के, जामिया के आसपास के, वो जामिया से ही पढ़े हुए हैं। तो बहुत सारे अच्छे टैलेंट्स जामिया अलीगढ़ से उभर के आते हैं। तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपना हॉबी भी निखार सकते हैं अलीगढ़ में और जामिया में। दोस्तों ये सारे स्नैपशॉट आपके मोटिवेशन के लिए है। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप स्पोर्ट कोटे से भी जामिया अलीगढ़ में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको रिजर्वेशन कितना किस कोर्स में है उसका भी मैं अलीगढ़ का रिजर्वेशन और जामिया का रिजर्वेशन का वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जामिया का रिजर्वेशन से रिलेटेड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिजर्वेशन से रिलेटेड, आप जिस गेम से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस गेम में आप एक्सपर्ट है, उस गेम का टेस्ट दीजिए। आपका टेस्ट होगा यूनिवर्सिटीज में और आपको टेस्ट में ना के बराबर भी मार्क्स है या जीरो भी आता है तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। कोटा, गेम के कोटा पे आपका, यानी खेल के कोटा पे, स्पोर्ट्स के कोटा में आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपने आप को एक रणजी ट्रॉफी के लायक बना सकते हैं। उसके बाद IPL आपके पास ऑप्शन है, खेल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये मोटिवेशन वाला वीडियो हो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU, जय जामिया।